हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक म्यूजिकल ले की रिएक्शन वीडियो, और ये काफ़ी फेमस हो चुका है ये म्यूजिकल ले। जो वीडियो हम देखेंगे और आपको उस पर रिएक्शन देंगे, और इस म्यूजिकल ले का नाम है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और बाकी सारी बात डिटेल वगैरह सारा कुछ, जो कुछ भी मतलब रिव्यू और इसके हवाले से, हम बाकी की बात सब बाद में करेंगे। तो टाइम को ना ज़ाया करते हुए पहले हम देख लेते हैं ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन। कमाल ही हो गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन, और हम बात करेंगे आपसे अब इसी वीडियो के हवाले से। ये काफी ज्यादा फेमस सॉन्ग के ऊपर बनाया गया है, और ये काफी मतलब कह लें आजकल बहुत ज्यादा ये मतलब ये वीडियो काफी फेमस और वायरल हो रही है हर जगह पर, मतलब छाई हुई है, चाहे वो नेट हो, सोशल नेटवर्किंग साइट हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, हर जगह ये वीडियो इस तरह से छा गई है। जैसे कि कहते हैं ना, जंगल में आग लग जाती है तो सब कुछ जल जाता है, इस तरह एक तरह से जंगल में आग की तरह ये फैल गई है। तभी मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ और अपनी राय वगैरह से भी आगाह करता हूँ क्या, और इसी हवाले से बात वगैरह करता हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन भी आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं आपसे इसी वीडियो के हवाले से। अच्छी थी और इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी, और काफ़ी यूनिकनेस इसके अंदर बेतहाशा थी। आप कह लें काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और मल्टी टैलेंटेड, और आप एक तरह से कह लें कि लड़कियां जो हैं इंटेलिजेंट टाइप की। तभी इन्होंने कुछ नया आइडिया सोचा और इसके ऊपर ये वीडियो बनाई, जो कि छा गई है, हर जगह छाई हुई है। और आजकल तो बस इसी की वीडियो के हवाले से ही हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, जो कि एक तरह से कह लें कि घर बैठे ये लड़कियां जो है मतलब एक तरह से हिट हो गई, बल्कि सुपर हिट हो गई हैं। और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो मतलब लड़कियां हैं, ये आप कह लें ब्रॉड माइंडेड, लिबरल, ओपन माइंडेड है, तभी इन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई। और जो कि आप ये कह लें कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है इस तरह की वीडियो बनाना और अपलोड करना, और क्योंकि जो है लड़कियों की वीडियो या फिर लड़कियां कुछ भी करें तो वो ज़्यादा जल्दी वायरल होता है, क्योंकि सब ज़्यादा दीवाने होते हैं लड़कियों के, और फिर चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, वो वीडियो फैल जाती है हर जगह। इसी तरह ये वीडियो भी फैल गई, और ये लड़कियां तो देखने में आइडिया हो रहा है कि ये वीडियो इंडिया की ही है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। और मुझे भी मतलब ये वीडियो मैंने देखी थी एक दो हफ्ते पहले, जो कि मुझे भी किसी ने सेंड करी थी व्हाट्सएप पर, तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म की लगी थी। फिर मैंने भी अपने एक दोस्त को फॉरवर्ड की थी, जिसको मैं मतलब एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको मैं हर चीज़ से शेयर करता हूँ, तो मैंने उसको ये शेयर करी थी। खैर चलें, इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो मेरी पहले से देखी हुई थी, वरना जो है मेरी ज़्यादातर क्वालिटी और मतलब खसूसियात ये है कि मैं कोई भी वीडियो जो है मेरी देखी हुई होती है तो मैं उस पर रिएक्शन वीडियो बहुत ही कम बनाता हूँ, और मैं फ़र्स्ट टाइम जब देखता हूँ तो फिर मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ। लेकिन मजबूरी थी मुझे, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैं इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊँ और इस हवाले से बात वगैरह करूं, जो कि आजकल ये वीडियो छाई हुई है, और जो कि फिर तभी मैंने बना दी। और जो मेरा रिएक्शन फर्स्ट टाइम था इसको देखने के बाद, मैंने वही डायरेक्ट रिएक्शन दिया, कुछ भी फेक या बनावटी नहीं। वाकई में मुझे हैरत भी हुई थी और हैरानगी के साथ साथ बहुत मतलब आप कह लें अजीब सा और इंटरेस्टिंग सा लगा था कि वाह क्या वीडियो बनाई है कमाल की। और जो इस हवाले से मैं आपसे और बात करता चलूँ कि जैसे कि इस वीडियो के हवाले से काफ़ी लोग नेगेटिव किस्म की बातें भी कर रहे हैं कि लड़कियाँ आजकल इतनी एडवांस फास्ट हो गई हैं, क्या क्या वीडियो बना रही हैं, क्या क्या कर रही हैं। तो मैं अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये जो कि ना सिर्फ मतलब ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मज़हब हो या मुस्लिम मज़हब, तो उनमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब मना है, और इस तरह आज़ादी जो मतलब इस तरह की हरकतें करना या इस तरह कुछ भी, कोई भी मज़हब अगर हम मज़हबी तौर पर लें तो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है कि इस तरह की हरकतें करें। खैर फ़नी और एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए इसको मतलब आप देख के इंजॉय कर सकते हैं, बनिस्बत अगर आप काफ़ी ज़्यादा इसके और पहलू देखें
तो वो अलग और नेगेटिव किस्म के पहलू निकलते हैं जो कि शायद हमें नहीं देखने चाहिए। मेरा मानना तो ये है क्योंकि जो है फिर ज़ाहिर है फिर जो मतलब फ़नी और इंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए चीज़ें हैं उनको भी अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहें मज़हब से रिलेटेड काफ़ी कुछ, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं जिन पर काफ़ी पाबंदियाँ आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इस्लाम हो चाहे हिंदू मज़हब हो कोई भी मज़हब हो, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वाकई में मना होती हैं। ओवरऑल चलिए बस मैं ऐसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ कि अच्छी थी, मज़ा आए, इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी मतलब अलग जब किस्म की लोग वीडियो बनाते हैं कुछ ना कुछ करते हैं तो ज़ाहिर है वो फैलती है, वायरल होती है और मतलब फेमस होती है, जैसे ये वीडियो हुई और म्यूज़िकली तो होती शॉर्ट सी है और जो कि मज़ा आया मुझे इसको देखने के बाद। मैंने जब फर्स्ट टाइम भी इसको देखा था तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था, इंटरेस्टिंग है और यूनिक भी है और एक तरह से कह लें फुल ऑन इंटरटेनिंग है जो कि काफ़ी इसमें यूनिकनेस है। वाओ, गुड, ग्रेट, सुपर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और इस पर मेरा रिएक्शन और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।